एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो हमारी जो दिवाली की शॉपिंग है वो कुछ कुछ जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, कुछ जो सामान है वो अभी भी पेंडिंग है और वो जो है कुछ आज डिलीवर हो जाएगा और कुछ जो है वो कल डिलीवर हो जाएगा। काफ़ी ज़्यादा जो सामान जो मेन था वो सब मैं लेके आ चुकी हूँ, तो वो सब आ भी चुका है। और इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो होगा कि मैं अपने घर को कैसे सजाती हूँ दिवाली पे। आप लोगों की शॉपिंग कहाँ तक पहुँची है ज़रूर मेरे साथ शेयर कीजिएगा। और इसके बाद आपकी डेकोरेशंस जो हैं वो भी स्टार्ट हो चुकी होंगी, और क्योंकि दिवाली में सिर्फ दो या तीन दिन ही बचे हैं तो बस झटपट से सब कुछ निपट जाए यही सभी चाहते हैं। और दिवाली में ना अभी जो टाइम चल रहा है, फेस्टिव सीजन जो चल रहा है अभी, तो इसमें ऐसा होता है कि सबके घर में रौनकें खूब सारी होती हैं, शादी जैसा माहौल होता है, हर जगह मिठाइयाँ, नए कपड़े और डेकोरेशंस खूब सारी, तो काफ़ी अच्छा लगता है। मुझे दिवाली का त्यौहार काफ़ी ज़्यादा पसंद है। तो बस स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो और मैं आपको बताती हूँ कि मैंने क्या क्या परचेज किया है इस दिवाली के लिए। तो यहाँ पे जो सबसे पहली चीज़ है वो है ये कैंडल्स, और ये सेट ऑफ सिक्स हैं और ये सेंटेड कैंडल्स हैं, काफ़ी अच्छी लगी और काफ़ी बजट में भी हैं। कुछ चीज़ें जो मैंने अमेज़ोन से मंगवाई हैं उनके लिंक जो हैं वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और यहाँ पे आपको ये जो पेंटिंग दिख रही है ना, तो आज मैंने एक DIY कैनवस पेंटिंग की है, तो उसकी वजह से ये यहाँ पे मार्कर के निशान हैं, तो इनको इग्नोर कर देना। और वो जो पेंटिंग है वो मैं दिवाली डेकोर के लिए ही बना रही थी, तो इसलिए ऐसा है। तो यहाँ पे ये 12 पीसीज हैं, काफ़ी अच्छी कैंडल्स हैं और इनका साइज़ जो है वो इतना है, तो काफ़ी अच्छी रहेंगी और कैंडल्स के बिना दिवाली कैसे होगी। तो ये है हमारा फर्स्ट जो शॉपिंग है। इसके बाद मूव करते हैं अपने नेक्स्ट चीज़ पे, तो वो है ये एक वुडन ट्रे है ब्लैक कलर में, और इसके साथ आपको मिलते हैं दो टी लाइट कैंडल होल्डर्स, वाइट कलर के हैं, काफ़ी अच्छे हैं ये। इसमें आपको काफ़ी सारे कलर्स मिल जाते हैं, तो आप जो कलर चाहें वो ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे वाइट लिया है, तो ये काफ़ी अच्छा लगा था मुझे। और इस तरीके से ये दो हैं और इसके साथ ये दो कैंडल्स मिलती हैं आपको, तो आप चाहें तो यहाँ पर दूसरी जो कैंडल्स होती हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा और काफ़ी ज़्यादा बजट में आने वाली चीज़ है और दिवाली के लिए काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगेगा ये, तो मैंने ये भी परचेज़ किया है। और ये आती है हमारी थर्ड चीज़, तो ये है कैंडल्स जो कि इस तरीके से छोटे छोटे 12 पीसेज हैं इसमें, और इस तरीके से ये ऑन होती है, यहाँ से ऑन ऑफ का बटन लगा हुआ है, और ये बड़ी प्यारी लगती हैं। अगर आप दूसरी कैंडल्स नहीं जलाना चाहते किसी किसी जगह पे, तो वहाँ पे आप इस तरीके की कैंडल्स भी यूज़ कर सकते हैं, तो काफ़ी अच्छी लगती हैं ये भी। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट चीज़ है वो है ये लाइट्स, तो इन लाइट्स में ये छोटे छोटे कलश बने हैं और इनके बीच में यहाँ पे लाइट है, और इसी तरीके के ये 35 पीसीज हैं ये, और काफ़ी अच्छे लगेंगे पूजा रूम के लिए, काफ़ी ब्यूटीफुल सी चीज़ है और क्यूट से हैं बहुत सारे, मुझे बहुत प्यारे लगे थे, तो इसलिए मैंने ये भी परचेज़ किए हैं अपने पूजा रूम के लिए, तो काफ़ी अच्छे लगे ये। तो ये लोकल मार्केट से लिए हैं मैंने, ये 150 के पड़े मुझे, तो बजट में थे। इसके बाद नेक्स्ट जो है एक पूजा की जो थाली है वो ली है मैंने, इसका साइज़ जो ज़्यादा बड़ा नहीं लिया है मैंने, छोटा ही लिया है, क्योंकि मुझे सिर्फ इसमें एक जोत जो है वही लगानी है, तो उसी हिसाब से ली है। और हमारे वहाँ पे जो जगह है जोत रखने वाली वो भी छोटी सी है, तो उसी के अकॉर्डिंगली मैंने छोटी प्लेट ली है, इस बार बड़ी वाली प्लेट जो है वो नहीं ली है। इसके बाद ये है हमारी नेक्स्ट शॉपिंग, तो ये हैं लाइट्स जो कि इस तरीके के छोटे छोटे बॉल्स जो हैं ये मेटल के हैं, गोल्डन कलर में, काफ़ी अच्छे लगेंगे जब आप अपने घर का डेकोर करेंगे। इनको आप किसी भी जगह पर लगा सकते हो, बेडरूम में लगा सकते हो, लिविंग रूम में लगा सकते हो, तो कोई भी जगह, या फिर आप इसको ग्लास बॉटल में रख दो तो भी ये काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगेंगे। तो ये जो हैं ये मुझे पड़ी हैं 250 की, ये भी मैंने लोकल मार्केट से ही परचेज़ की हैं, तो ये काफ़ी सुंदर मुझे।
इसके बाद नेक्स्ट मैंने जो शॉपिंग की है वो है लाइट्स की। तो ये वाली लाइट्स मैंने ये वाली नहीं मंगवाई थी, वो भी राउंड शेप में बॉल्स थे, वो ग्रीन कलर के, लेकिन उन्होंने मुझे ये स्टार वाली भेज दी है। लेकिन मुझे ये भी पसंद आई, मुझे कलर सिर्फ ग्रीन चाहिए था और ये इसी तरीके से हैं, तो मुझे ये भी काफ़ी अच्छी लगी। तो ये मैंने ऑनलाइन परचेज किए हैं, इसका लिंक भी आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगेंगी जब मैं पूरे घर को डेकोर करूँगी लाइट्स के साथ। इसके बाद नेक्स्ट हैं ये वाली लाइट्स। तो ये काफ़ी ज़्यादा लंबी होती हैं और ये आप दीवार पे भी लगा सकते हो बेड के पीछे, या फिर आप कर्टन्स के साथ भी लगा सकते हो तो भी काफ़ी सुंदर लगती हैं। तो ये स्टार वाली लाइट्स हैं, ये बड़े बड़े वाले स्टार्स हैं और ये हैं छोटे वाले स्टार्स, तो ये काफ़ी सुंदर लगेंगी। और इसमें आपको दीपक वाला ऑप्शन भी मिल जाता है, तो आप चाहें तो वो भी ले सकते हैं, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगता है। और ये तो सुंदर है ही है, मुझे स्टार वाला ही चाहिए था। इसके बाद नेक्स्ट ये किचन के लिए मंगवाया है मैंने नाइफ्स और स्पून होल्डर, या फिर आप फोक भी रख सकते हैं इसमें, आप जो चाहें वो रख सकते हैं। तो इस तरीके से ये वुडन की ट्रे के साथ आता है, तो इसमें आपको इस तरीके से ये इनको वॉश भी कर सकते हो आप, तो यहाँ पे ये लगाना भी काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाता है। तो ये मंगवाया है मैंने, इसके साथ आपको इनको क्लीन करने के लिए ये दो ये मिल जाते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा मुझे। लेकिन ये प्लास्टिक में है और ये भी मैंने ऑनलाइन परचेज किया है, काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगा मुझे ये भी। इसके बाद ये भी टी लाइट होल्डर्स ही हैं और इनका डिज़ाइन थोड़ा अलग सा है, तो ये भी मैंने परचेज़ किए हैं। तो ये दो मंगवाए हैं मैंने, इनके साथ ये छोटी सी कैंडल आती है लेकिन ये ज़्यादा देर तो चलेगी नहीं, तो इसमें हम दूसरी कैंडल्स भी लगा सकते हैं बड़ी वाली, तो वो काफ़ी अच्छी लगेंगी। तो इस तरीके से ये दो हैं। तो यहाँ पे दो कप्स के सेट हैं और ये ब्लू कलर में है, ये कलर मुझे काफ़ी अच्छा लगा और देखने में भी काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगे, और इस तरीके से ये दो लिए हैं मैंने। और इसके नेक्स्ट मूव करें तो दो जो हैं वो इस तरीके से लिए हैं मैंने, ये इनकी शेप अच्छी लगी थी मुझे, कलर इसमें और ज़्यादा नहीं थे, इसी तरीके से एक थोड़ा सा डार्क शेड में था और ये थोड़ा सा लाइट में था, तो मैंने ये वाला लिया, तो ये काफ़ी अच्छा लगा मुझे और देखने में भी काफ़ी ज़्यादा सुंदर हैं। इसके नेक्स्ट जो हैं वो ये वाले हैं, ये वाले सेट ऑफ सिक्स हैं, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। और सबसे पहले मैंने जो हैं यही वाले लिए थे, ये मेरे काफ़ी ज़्यादा फेवरेट है, मुझे बहुत अच्छे लगे, ये वाला कलर भी काफ़ी ज़्यादा पसंद है और सुंदर भी काफ़ी ज़्यादा है, तो ये सेट ऑफ सिक्स हैं। इसके साथ दो और हैं, वो हैं येलो वाले, तो ये दो का ही सेट लिया मैंने और ये दो काफ़ी ज़्यादा सुंदर हैं। इस बार जो कप मग्स का साइज़ है वो हमने काफ़ी ज़्यादा छोटा लिया है, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा चाय पीती हूँ तो इसलिए मैंने छोटा लिया है ताकि मैं कम चाय पीऊँ, और जीनू तो पीते नहीं, जीनू कम ही पीते हैं तो उनको छोटा ही अच्छा लगता है। तो ये कलर काफ़ी ज़्यादा क्यूट नहीं सुंदर है, मेरे को बहुत अच्छा लगा, ये येलो कलर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था, अट्रैक्टिव लग रहा था मुझे, तो इसलिए मैंने ये बाय किया। तो ये थी हमारी छोटी छोटी सी शॉपिंग, और बाकी की जो चीज़ें हैं, ओ यार कल मैं और दी एक साथ गए थे शॉपिंग करने के लिए, और अभी मैं सामान जब चेक कर रही हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए, क्योंकि घर आके तो मैंने कुछ चेक नहीं किया, काफ़ी ज़्यादा सामान था। तो अभी मुझे ये बुक्स मिली यहाँ से, तो ये बुक्स स्नायु के लिए थी और ये मेरे पास ही रहेगी, तो मैं उनको बाद में दे दूँ, काफ़ी ईजी रहता है छोटे बच्चों को वो करने के लिए, और क्यूट सी बुक्स होती है ना ये, तो इसको बच्चे खुद भी लेके देखते रहते हैं कि इसमें क्या क्या है, कौन सी शेप्स हैं, कौन सी वेजिटेबल्स हैं, कौन से फ्रूट्स हैं, तो ये काफ़ी वो रहती हैं। 19 रुपीज़ की ये एक बुक है और बस ये मेरे पास रह गई हैं। उसके बाद हमारी जो ये वाला था ये ख़राब हो गई थी, हम इसको छलनी बोलते हैं, पूनी मतलब बोलते हैं, कि जैसे हम पकौड़ाज वगैरह फ्राई करते हैं वो हम इसमें रखते हैं, तो जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो उसके नीचे से निकल जाता है, तो ये हमारा ख़राब हो गया था, ये हम एक लेके आए हैं। उसके बाद कर्टन्स मैंने नए परचेज नहीं किए हैं, बस उन्हीं में जो हैं उन्हीं में ऐड करूंगी मैं और जो लाए हैं, तो इस तरीके से ये नेट वाले हैं, ये वाला डिज़ाइन जो है इस तरीके का ये लाया है, ये काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगेगा जब हम वहाँ पे ऐड करेंगे, और मुझे लगता है वैसे सुंदर लगेगा, अब पता नहीं जब मैं करूँगी तो फिर दिखेगा।
तो इसी तरीके से ये लाए हैं और ये लाए हैं मैंने इस तरीके से है ये डिजाइन है कर्टन्स को बंद करने के लिए जो रोप यूज होता है ना तो उसमें काफी सारे थे मुझे ये वाला ही पसंद था तो मैंने यही कलर हर एक जगह के लिए लाया वहां पे कलर थे ही नहीं यही कलर था इसी में ज्यादा वाले थे तो मैं ये ले आई इसके बाद हम एक कप का सेट जो है ये वाला भी लेके आए हैं ये 99 रुपीज का था ये वाला डिजाइन मुझे काफी अच्छा लगा तो ये भी लिया मैंने ये हमने लोकल मार्केट से ही लिया तो ये काफी अच्छा लगा था इसके बाद ये है एक आर्टिफिशियल प्लांट तो ये बड़ा है साइज में और मैं कल इसके ऊपर लाइट्स लगा के देख रही थी कैसा लगता है तो ये काफी अच्छा लगा मुझे और इसको हम लगाएंगे जब लगाएंगे तो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे दिखाएंगे आपको ये कैसा लगता है तो इसको फिलहाल यहाँ पर रखते हैं ये भी अच्छी चीज लगी मुझे तो ये थी हमारी सारी शॉपिंग तो आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा बात है एक ये वाला कारपेट और ये राउंड वाला है जूट का जो कारपेट होता है वो तो काफी बड़ा साइज है इसका इतना बड़ा है ये इसके ऊपर मैंने पूरा सामान रख दिया तो अभी मैं इसको हटा नहीं सकती कलर काफ़ी अच्छा लगा मुझे तो इसलिए मैंने लिया ये मुझे पड़ा है 550 का तो ये लोकल मार्केट से परचेज़ किया हमने काफ़ी सुंदर है ये तो यहाँ पे हमने लाए हैं दो बेड साइड रनर एक इस रूम के लिए एक दूसरे वाले रूम के लिए तो एक मैंने ये ब्लू कलर का लाया और ये जो है मैंने लिया है लोकल मार्केट से तो ये 300 का ही है हाँ 299 का है ये और दूसरा वाला है ये कलर इसके बाद जो है वो लाए हैं हमने डोर मैट्स क्योंकि मेरे पास डोर मैट्स कम थे तो इसलिए हम लेके आए तो एक ये सिंपल वाला है ये सिर्फ 99 रुपीज का है और इसके बाद जो नेक्स्ट है वो दोनों सेम ही है वो है ये वाले ये भी 99 के पड़े हैं हमें तो काफी बजट में रही हमारी शॉपिंग और इतने ज्यादा सॉफ्ट है ना ये बहुत अच्छा लगे मुझे सॉफ्ट वाले जो हैं और ये एंटी स्लिप है ये स्लिप नहीं करते हैं तो काफी अच्छे रहते हैं ये आपके लिए आज का छोटा सा वीडियो अगर आपको हमारी चीज़ें पसंद आई होंगी आपको इनमें से कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा अच्छी लगी ज़रूर शेयर करके और सॉरी कमेंट करके बताइएगा कमेंट बॉक्स में तो फिलहाल इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड जल्दी मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय टेक केयर